नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। लालू प्रसाद यादव ने जमानत की शर्तों के खिलाफ जाकर राजनीतिक बयान दिए हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने खामोशी अख्तियार कर रखी थी, लेकिन वे अपने दिल के दर्द को छिपा नहीं पाए। रांची जाने के दौरान पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य, बेल और देश की राजनीति पर बेबाक राय रखी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पहली बार बिना व्हीलचेयर के एयरपोर्ट के अंदर गए। वे गाड़ी से बिना सहारे के उतरे और व्हीलचेयर पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने मीडिया से खड़े होकर बात की। इस दौरान राजद के कार्यकर्ता लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनकी किडनी में इन्फेक्शन है और उन्हें अस्पताल में आराम करने का शौक नहीं है। प्रोविजनल बेल मिलनी चाहिए। मैंने मुंबई और दिल्ली एम्स में इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हुआ हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सभी दवाइयाँ लेकर जा रहा हूँ। मुझे झारखंड हाई कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा हूँ। जहाँ भेजा जाएगा वहाँ जाऊँगा। आज नहीं तो कल इंसाफ मिल जाएगा। बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश के आरोप में 5 बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। मोदी जी डर गए हैं। कब किस नेता की गिरफ्तारी हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि इमरजेंसी के लिए रास्ता प्रशस्त हो गया है। लालू प्रसाद यादव ने साथ ही कहा कि बच्चों पर झूठे केस लाद दिए गए हैं। हमको घेर कर रखने के लिए इतने केस किए गए हैं। इनका मकसद है कि हम तनाव में रहें और इनका चुनाव पार हो जाए। हम राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजनीति में भाग लेना है, लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने अरसे बाद नीतीश कुमार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में आए दिन हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बिहार में घोर अराजकता है। रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। नीतीश कुमार भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट का मेडिकल आधार पर हमको प्रोविजनल मिला था इजाजत। मुंबई में कराए, एम्स में कराए, रिम्स में कराए, क्योंकि पूरी तरह से रोग निरोग हम नहीं हुए। इंफेक्शन से लेकर किडनी उडनी भी सब प्रभावित है। न्यायालय का यह आदेश है कि जब भी बीमार पड़ेंगे तो उसको उनके विचारार्थ या सब आएगा तो उनकी ऊपर वो विचार करेंगे। तो कोई अस्पताल में आराम करना हमारा कोई शौक नहीं है। न्यायपालिका पर हमको पूरा भरोसा है। झारखंड हाई कोर्ट के ऊपर भी भरोसा है। कहीं शंका का गुंजाइश नहीं। इस तरह से न्याय हमको जरूर मिलेगा। आज न कल न्याय मिलना है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। स्वास्थ्य भी ठीक है। स्वास्थ्य दवा लेके पूरा आए हैं। जहाँ भेजेंगे वो लोग, हमको जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैंने कभी किया है, न्यायपालिका के निर्देशों का अनुपालन भी किया है, तो मैं जा रहा हूँ। और देश हमारा तानाशाही की तरफ अग्रसर हो गया। 5 इंटेलेक्चुअल्स विद्वानों को छापा मार के कर गिरफ्तार किया गया। मोदी जी डर गए हैं कि उनकी हत्या हो जाएगी, पर देश के प्रधानमंत्री इस तरह से बात बोले कि हमारी हत्या हो जाएगी, ये अच्छा नहीं लगा देश को। इसलिए ये कब किसकी गिरफ्तारी होगी, कब किसको क्या होगा, नेताओं का एकदम रास्ता प्रशस्त हो गया। इमरजेंसी लागू कर देगा जी, दबाव अभिजीत तेजस्वी जी को सोना ना सम्मान किया गया। काला कपड़ा लगाया है तो क्या लगाया है। तो जो भी है, इतने केस हम लोग ऊपर है, बच्चों के ऊपर है, राबड़ी देवी का सब झूठा है, बेबुनियाद है। कैसे हमको घेर के रखा जाए, हमको घेर के परिवार को एंगेज करके रखा जाए, तनाव में हम रहे, ताकि चुनाव पार हो जाए, नौकार दौड़ धूप नहीं हो। ये हमारी आज़ादी, हमारी लिबर्टी है, प्रत्येक नागरिक का इन चीज़ों में भाग लेना। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने पार्टी का, RJD के, तो
अब हमको न्यायपालिका से भरोसा है। बिहार में कुछ पिछले कुछ दिन लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, लगातार मर्डर हत्या महिला के साथ, और कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ मर्डर नहीं हो रहा, विरोध नहीं हो रहा है, कोई न लॉ है न कोई ऑर्डर है, पूरी एनार्की है। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, कोई हालत नीतीश का। चलिए, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।